गठबंधन जनता के साथ आपको नजर ही नहीं आता, आप चोर के साथ गठबंधन की बात करते हैं। लालू यादव जी या नीतीश जी या मोदी जी या फलना जी, राजनीति तो धुरताई दुष्टाई और दोगलाई होती है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस साल बिहार में चुनाव होने हैं और जन अधिकार पार्टी की तैयारियां चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रही है, हमारे साथ बात करने के लिए पप्पू यादव जी हैं। पार्टी की तैयारियां कैसी चल रही है चुनाव को लेकर, 150 सीटों पर ऐलान कर दिया था। पूरा बिहार की तैयारियां चल रही, पूरा बिहार की तैयारियां चल रही, लेकिन एक तल्ख सच्चाई है, गठबंधन आप अभी तक बना नहीं पाए। आप गठबंधन जनता के साथ आपको नजर ही नहीं आता, आप चोर के साथ गठबंधन की बात करते हैं। किसका गठबंधन बन गया भाई, एनडीए का गठबंधन बन गया कि यूपीए का बन गया? हम तो गठबंधन की बात आपसे कभी नहीं किए, हमने कहा कि दलित अत्यंत पिछड़ा, मैं आज भी कायम हूँ, अत्यंत पिछड़ा के मुख्यमंत्री बनाने पर कोई समझौता नहीं होगा, मैं बनाऊंगा, हमारा कैंडिडेट होगा अत्यंत पिछड़ा दलित, आप इसको लिख लीजिए। तो जब मेरा प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर है, पॉलिसी की साफ सुथरा है, आइडियोलॉजी कंप्लीट रूप से बिहार चेंज का है, चेंज फॉर बिहार का है, लगातार चोर लोग इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन मेरे साथ बिहार के यूथ, बिहार के किसान, बिहार के मुखिया, जिला परिषद, सारे लोग, बेटी, सभी लोग एक तरफ से ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन आपको नजर नहीं आ रहा, इससे बड़ा परिवर्तन तो कुछ है नहीं। एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हम पप्पू यादव से ही बात करेंगे, वो क्योंकि उनकी पार्टी भी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, तो क्या कोई मुलाकात हुई है, आगे उनके साथ भी हो सकता है? मुलाकात तो होती रहती है, अख्तरुल जी से पारिवारिक और बचपन का रिश्ता है, बातचीत होती रहती है, सीमांचल और कोसी के, सीमांचल के कई आंदोलन में महानंदा बेसिन और कई सारे विकास के मुद्दे पर हम लोग साथ काम करते हैं। तो बिहार के सवाल पर जिस किसी से भी बात करने की जरूरत होगी करें। किशनगंज में आप कैंडिडेट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपको कल 100 सीट का लिस्ट मिल जाएगा और कितनी कौन जाति लड़ रही उसका कल लिस्ट मिल जाएगा। अच्छा, एक और सवाल है, कल जीतन राम मांझी ने ऐलान किया एनडीए में जाने का, इस दौरान उन्होंने कहा कि लालू यादव के झांसे में वो आ गए थे, इसलिए महागठबंधन में, क्या लालू यादव झांसे में किसी को रखते हैं? लालू यादव जी या नीतीश जी या मोदी जी या फलना जी, अपना मन अपने मियाँ मन मिट्टू, अपमानित तो दल का नेता तो कोई विचारधारा पर तो गठबंधन होता नहीं है, लेकिन बड़े नेता हमेशा यूज एंड थ्रो करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, अपने तरीके से करते हैं, उनकी सत्ता कैसे बरकरार रहे। राजनीति तो कंप्लीट धुरताई दुष्टाई और दोगलाई होती है, अब कोई लालू यादव का या किसी एक का सवाल नहीं है। अब यहाँ पर सुशासन बाबू जॉर्ज भूल गए, कर्पूरी ठाकुर भूल गए, जगन्नाथ मिश्रा जी को भूल गए, शरद यादव को भूल गए, मधुलिमय के भूल गए। राजनीति की अति महत्वाकांक्षा सुशासन बाबू से कोई सीखे, इन्हीं जीतन राम मांझी का सम्मुख वध किया था, तब क्या हुआ था, लालू यादव का पैर पकड़ करके, लालू यादव की सबसे बड़ी तीसरी भूल थी कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाया, और फिर उनकी भूल है कि जीतन राम मांझी मुकेश सहनी कुशवाहा जी जैसे नेताओं को वो लगातार अपमानित कर रहे हैं। क्यों अपमानित कर रहे हैं भाई कुशवाहा जी को, क्यों महागठबंधन, किसके इशारे पर महागठबंधन को आप कमजोर कर रहे हैं, कौन है इसके पीछे? क्या आप बिहार की जनता देख नहीं रही है? नाम क्यों ले रहे थे लगातार? मैं किसी का नाम जानता ही नहीं हूं, मेरा सीधा सवाल है कि कौन है इसके पीछे और कौन गहरी साजिश रच रही है। कांग्रेस जिनको नेतृत्व लेना चाहिए
वक्त है कांग्रेस को, राष्ट्रीय पार्टी है, अब वो लाए अत्यंत पिछड़ा दलितों के लीडरशिप को। बिना शर्त हम खड़े रहेंगे। कांग्रेस अपने ही चीजों में उलझी रहती है, अब फिर चुनाव के समय आकर के सबको अपमानित करा दे। जो योजना थी आपके चिराग पासवान को लाने की, वो आधार में लटक गई है क्या? सब अब समय आने दीजिए, सब आपको पता चल जाएगा। मेरी योजना है पूरे बिहार के यूथ, माँ, गरीब बेटियों को और कॉमन लोगों को एक साथ लाके 30 साल जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया उससे बचाने की। चलिए, ये थे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कल वो ऐलान करेंगे कि 100 सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार होंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।